यहाँ पे पहली बटन दिया गया फिक्स डीएल मोड डाली हेडिंग। इस बटन का इस्तेमाल टूल डीएल इमेज फाइल प्रॉब्लम को सही करने के लिए किया जाता है। और इससे पहले भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगो होगा और उसमें लिख के आएगा एरर टूल डीएल इमेज फाइल। एसपी फ्लैश टूल से मैंने बताया था टूल डीएल इमेज फाइल। इमेज पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, कुछ इस तरह की एरर दिखाई देगी आपको, ये यानी कि यहाँ स्क्रीन पे टूल डीएल इमेज लिखा रहेगा छोटा छोटा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और ये फ़ोन आपका कैसा रहेगा, हैंग ऑन लोगो पे रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो इसको हमने आपको बताया था किससे, एसपी फ्लैश टूल से भी कर सकते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं, यहाँ से डाउनलोड एसपी फ्लैश टूल, टूल को ओपन किया, ये टूल बताए थे इस चीज़ को। और यहाँ पर फिर हमने आपको ये भी बताया था कि जब टूल डीएल इमेज की प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टूल को ओपन करना है, इसके बाद स्कैटर वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद कहाँ पे आना है, ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन अगेन क्लिक ऑप्शन, फिर कहाँ पे आएंगे, डाउनलोड पे, और ये जो इस पर जो अनटिक होगा इस तरीके से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको कैंसिल करना है, जितनी भी फाइलें हैं सभी फाइलों को अनसेलेक्ट कर देना है, ओनली कैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड वाली बटन दबाएंगे और फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे। कनेक्ट कराने का तरीका, मोबाइल को ऑफ करना है, बिना कोई बटन दबाए कनेक्ट करना है। इस तरीके से अगर नहीं होता है तो दूसरा तरीका क्या बताया था, मोबाइल को ऑफ करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस वाली बटन दबा के डाटा केबल लगा देना है। तो यहाँ से भी ये प्रोसेस मैंने बताया था, और यहाँ पर आप मिरेकल में इस बटन से भी ये काम कर सकते हैं। तो इस बटन वाले में लिख लीजिए फिक्स डीएल मोड, इसका मतलब है इस बटन का इस्तेमाल टूल डीएल इमेज फाइल की प्रॉब्लम को सही करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है, आपकी हार्डवेयर क्लास है, आप हार्डवेयर में जाइए। इस बटन का इस्तेमाल टूल डीएल इमेज फाइल प्रॉब्लम, ऑलरेडी पहले बता चुके हैं इस चीज़ को, टूल डीएल इमेज फाइल प्रॉब्लम को सही करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बटन है रीड पैटर्न। नेक्स्ट बटन है मिरेकल की रीड पैटर्न लॉक, यानी रीड का मतलब हम विदाउट डेटा लॉस, कैसा, विदाउट डेटा लॉस हम फोन का पैटर्न लॉक रीड पता कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास फोन आया और फोन में क्या लगा है, पैटर्न लॉक लगा है, क्या लगा है, पैटर्न लॉक लगा है, और वो बंदा उस चीज़ को भूल गया कि कैसा डाला था उसने, ऐसा डाला था, क्या है, जो भी लॉग है, अब ये आपको पैटर्न लॉग पता ही नहीं है। कस्टमर कह रहा है भाई हमारा डेटा नहीं जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, डेटा नहीं जाना चाहिए, तो आप इस बटन से क्या कर सकते हो, पैटर्न लॉग को रीड कर सकते हो और कस्टमर का डेटा नहीं जाएगा, यानी कि विदाउट डेटा लॉस। विदाउट डेटा लॉस आप ये काम कर सकते हैं, पैटर्न लॉक को रीड कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस। लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन सुन लीजिए कि एंड्रॉयड वर्जन कितना, जो एंड्रॉयड है का जो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है 6.0 अगर है मार्समेलो, एंड्रॉयड वर्जन 6.0 यानी मार्समेलो का कोई फ़ोन आता है, या 5 पॉइंट आता है, 5 पॉइंट वाला कोई आता है, यानी कि 6 के ऊपर आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, केवल 6.0 तक वर्जन में जो पुराने फ़ोन हैं उनका ही ऐसा सिस्टम होता है। और आज के डेट में जो फ़ोन आ रहे हैं तो पैटर्न लॉक क्या कैसा जाएगा, डेटा जाएगा, फॉर्मेट फ़ोन करना
जब आप लगाएंगे फ़ोन को, कनेक्ट करेंगे, तो खुद लिख के आएगा कि नॉट सपोर्टेड। क्या लिख के आएगा? नॉट सपोर्टेड। तो कहाँ तक सपोर्टेड है? एंड्रॉयड 6. हाँ, सपोर्टेड है एंड्रॉयड 6.0 तक, ये याद रखना है, विदाउट डेटा लॉस। और डेटा हम लोग अगर बिना पैटर्न के अगर डेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये डेटा। अब डेटा देखो, 6.0 तो हमारा हो गया ओएस वर्जन एंड्रॉयड का, ओके, ये तो हमारा बच जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न लॉक रीड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो वर्जन है, अगर हम चाहते हैं डेटा नहीं जाए, मान लीजिए कोई फ़ोन लग जाता है, मतलब उसमें पैटर्न लॉक लग गया, कैसे, कौन से लग गया, पैटर्न है, पिन है, पासवर्ड है, तो अब अगर लॉक है, पैटर्न लॉक, इसको रीड तो कर नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, रीड तो होगा नहीं। इसके ऊपर वाला, जैसे मान लो यहाँ पे 7.0 कोई वर्जन है, 8.0 ओएस का कोई भी फ़ोन आपका, आपके पास आता है, पैटर्न लॉक लगा है, लेकिन आप इसको, इसका डेटा आप बचा सकते हैं। हाँ दड़ाओ, ये आप इसका क्या कर सकते हैं, डेटा आप इसका बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? सेफ फॉर्मेट, सेफ फॉर्मेट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यूमटी वगैरह में। सेफ फॉर्मेट अगर आप करेंगे तो आप 8.0 तक का डेटा आप बचा सकते हैं, और इसके ऊपर तो डेटा जाएगा जाएगा, ओके। पर तरीके अलग हो जाते हैं, U5 से कुछ डेटा रिकवर होता है, इसी ZTAC से कुछ डेटा रिकवर होता है, बस में ना पहले, या मदरबोर्ड स्वैप करना पड़ता है, इस तरीके का प्रोसेस सिस्टम होता है। तो आपका जो पैटर्न रीड है कहाँ तक होगा? 6.0 तक। फॉर्मेट है सेफ फॉर्मेट से 7.8.0 तक डेटा को बचाया जाता है। इसके अगर ऊपर है फिर नहीं बचेगा। इतनी बात क्लियर, समझ में आएगी नहीं आएगी? ओके, तो लिख, हाँ लिख, हाँ बताइए, क्या आया? हाँ डेड फोन आया, अगर वो पोर्ट बनाना है तो वर्जन के लिए हमने आपको, खोलते हैं पन्ना, पलटो, रीड इन्फो पढ़ो, रीड इन्फो की बटन सबसे पहली बटन है, पढ़ो उसको। क्या है रीड इन्फो में बताइए? यार तो गलती किसकी है, लिखे नहीं हो तो बताओ क्या करें, बताइए। हमने अगर ना बताया हो तो आप कह सकते हैं रीड इन्फो ये वाली बटन है, पहली बटन यहीं से शुरुआत हुई थी। क्या लिखा है इसमें बताइए, कोई पढ़ के बताइए। सॉफ्टवेयर वर्जन, हार्डवेयर वर्जन, IMEI नंबर, देखो लिखा है कि नहीं है, ठीक है। लिखा करो इसीलिए, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो ये था, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, फिक्स डीएल मोड हो गया, रीड पैटर्न हो गया, लिख लीजिए इस बटन का इस्तेमाल। और लिखा कि नहीं लिखा आपने? हाँ लिखा तो पूरा बता दिया यार लिखने के लिए, और कैसे कैसे लिखोगे? हाँ तो ठीक है, बस और क्या लिखना उसमें? क्लियर एंटी थेफ्ट, सुनो पहले इसको लिखने, इससे पहले जस्ट हम लोगों ने जाना था रीड एंटी थेफ्ट। रीड से क्या होता था, रीड हो जाएगा, और क्लियर से साफ हो जाएगा, हट जाएगा, बटन पाए पीछे ऑलरेडी है।